बहुत बुरा हाल हो रहा है। सारी कॉटन मैंने यूज करके डाली है, ये ब्लड, ये है साइड इफेक्ट ईयर पियर्सिंग। अगर आप लोग भी ईयर पियर्सिंग कराने के लिए जा रहे हो तो 5 मिनट रुक के एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। हाँ बिल्कुल, ये ईयर पियर्सिंग का ही नतीजा है। मैंने आज से 1 महीना पहले ईयर पियर्सिंग कराई थी जिसकी आज कुछ ऐसी कंडीशन है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को पियर्सिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, पेनफुल होता है या नहीं है। तो ऑब्वियस है भैया, अगर कुछ भी बॉडी का पार्ट पियर्स करा रहे हो तो उस टाइम पेन होता है, लेकिन आफ्टर दैट जो होता है वो शायद कोई कोई बियर कर जाता है, कोई कोई नहीं कर पाता। तो मेरी ये जो कंडीशन मैंने आपको क्लिप्स दिखाई, ये पिछले 3 दिन की क्लिप्स हैं, जिसमें पहले दिन में तो मेरा कान बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से स्वेलिंग कर गया था कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे हाथी का कान हो। देन सेकेंड डे जब मैं अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो गलती से वो टच हो गया वो कान, और एकदम से उसमें से नदी सी बह गई उसकी पस की और खून की। देन थर्ड डे यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग मैंने उसकी सफाई करके उसको चेंज किया, जो मैंने टहनी नीम की टहनी पहनी थी। तो ये सारी प्रोसेस हुई और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पियर्सिंग कराने की आपने सोच लिया ना, तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लेना, फिर ही अपने रिस्क पे जाना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सब कुछ मतलब करानी चाहिए ना कि नहीं करानी चाहिए, उसको मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरी स्टोरी है कुछ ऐसी कि मैंने आज से 1 महीना पहले ईयर पियर्सिंग कराने के लिए मैं कमलानगर गई थी, मैंने वहां ईयर पियर्सिंग कराई, सब करा रहे थे। मुझे नहीं पता बाकी लड़कियों को भी ऐसा होता है कि उनके भी कान इतने मोटे मोटे हो जाते हैं या नहीं, स्किन टू स्किन डिपेंड करता है, ओके। तो मैंने भी करा ली। कराने के बाद मेरे को जो नॉर्मल 1 हफ्ते तक पेन होता है, पियर्स हुआ था तो वो नॉर्मल पेन था, मेरे को करवट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, और ज्यादा इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने सोचा जब 10-15 दिन निकल गए, मैंने डेली इनकी ऑयलिंग की, ये बिल्कुल ठीक थे। तो एक दिन ये गलती से मेरे टॉप में उलझ गया, सेम टॉप में उलझने के बाद मैंने सोचा कि ये जो उन्होंने जो मुझे ज्वेलरी पहनाई थी मेरे कानों में वो उलझ रही थी बार बार, ऐसा आइटम पहनाया था उन्होंने मुझे, तो मैंने उसको जाके कटवा लिया और फिर मैं दूसरा पेयर डालने की कोशिश कर रही थी, तो उस टाइम वो थोड़ी सी स्वेलिंग पकड़ गई क्योंकि वो प्रॉपर ठीक नहीं हुए थे। देन उसके बाद मैंने दूसरा डालने की कोशिश की तो नहीं डला। फिर उसके बाद मैंने नीम की टहनी डाली जिसके बाद वो फिर से कुछ दिन में जाके नॉर्मल हो गया। देन फिर से मेरे को लगा कि अभी एटलीस्ट अब तो ये ठीक हो गए होंगे, तो मैंने इसमें दोबारा पहनने की कोशिश की, जो दूसरा ईयर रिंग पहनने की कोशिश की, तो फिर से वही हाल, मतलब ये फिर से मतलब मेन में स्वेलिंग होगी। तो मैंने सोचा छोड़ो, अब मैं इसमें नीम की टहनी ही डाल के रखूंगी 2-3 महीने तक एटलीस्ट, क्योंकि 2-3 महीने बाद ये फिर ठीक हो ही जाते हैं, और कुछ विंटर से तो इस वजह से ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गलती ये की कि आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब मैंने उन टॉप्स को हटा के जब मेरे को लगा कि दोबारा स्वेलिंग हो रही है, तो मैं नीम की टहनी की जगह मैंने एक नीम जैसा पेड़ होता है उसकी टहनी उठा ली और मैंने उसकी वो पहन ली टहनी। उसके बाद इन कानों ने पकना शुरू किया, क्योंकि एक तो चेंज किया था तो थोड़ा बहुत लगता है तो होता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इन्होंने वहां से अपनी प्रोसेस शुरू की, इन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ी और ये कान बढ़ते 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 हाथी जैसे हो गए बिल्कुल। उसके बाद मैंने बहुत सारी मतलब ट्रिक्स अपनाई, कभी इस पर कोई तेल लगाया, कभी सरसों का सबसे बेस्ट होता है, मैंने हल्दी भी लगाई, लेकिन हल्दी से ये ज्यादा
सूख गए थे और ये ज्यादा पेन कर रहे थे, तो मैंने हल्दी नहीं लगाई। उसके बाद मम्मी ने बोला कि इस पे सेप्ट्रन की गोली लगा ले, उससे ये चीज सूख जाएगी। तो मम्मी ने उसको भिगो के सेप्ट्रन की गोली को वो यहाँ पे लगा दी। उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी तो मैंने देखा कि वो फिर से फट गया है और उसमें पस बह रहा पूरी तरीके से। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैं मेडिसिन लेके आई, मैंने मेडिसिन खाई और आज सुबह मैंने इनको चेंज किया, क्योंकि वो जो टहनी थी वो ज्यादा नुकसान कर रही थी। उनको निकाल के मैंने ऑयलिंग करके अच्छे से आज नीम की उसको टहनी को फिर इनको पहना है। अभी मेरे को रिलैक्स है थोड़ा, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। अगर बार बार इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा जैसे मेरा, तो मैंने लापरवाही की कहीं ना कहीं, इस वजह से ऐसा होगा। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिकॉशंस बताती हूँ जो आपको लेने चाहिए और उन्होंने मुझे बताए थे, ठीक है। तो पहला तो ये कि हमेशा जब भी आप पियर्सिंग कराने जाओगे तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि सीजन कौन सा चल रहा है। पियर्सिंग कभी भी बारिश के मौसम में नहीं करानी चाहिए, सेकंड विंटर्स में भी नहीं करानी चाहिए, अवॉइड ही करनी चाहिए। जब भी कराओ अपनी गर्मियों में जाके कराओ, क्योंकि उस टाइम पे हीलिंग पावर अच्छी होती है हमारी बॉडी में। सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है और बारिश के मौसम में तो ऐसे ही कीड़े चल जाते हैं हर एक चीज में, तो बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ना। और मैंने गलती यही की, मैंने सबसे पहली गलती यही की कि मैंने विंटर्स में जाके इनको पियर्स करा लिया, ठीक है। सेकेंड चीज, अपना बॉडी टाइप ध्यान में रखो कि आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन है वो ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है। अगर ज्यादा सेंसिटिव होगी तो इनको भरने में टाइम लगेगा, और जो मेरी स्किन है, मेरी सेंसिटिव है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये मैंने अभी नोटिस किया कि मतलब जब मैंने पियर्सिंग करा ली उसके बाद जब ये पक रही थी, तो मैंने ध्यान किया कि मैंने जब पहली लोब में पियर्सिंग कराई थी तो उस टाइम पे भी मेरे कान बहुत ज्यादा पके थे। तो अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो ये काम कराओ ही मत। थर्डली आपको क्या करना चाहिए कि आपको इनकी जो ऑयलिंग अच्छे से टाइम टाइम पे करनी चाहिए, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इनको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर मतलब स्वेलिंग हो भी गई है तो इसको बार बार टच मत करो, क्योंकि फिर वो बार बार टच करने के बाद फिर ये स्किन रिएक्ट करती है, ठीक है। थर्ड, ये काम बिल्कुल नहीं करना। फोर्थ, आपको खट्टी वट्टी चीजें इन सबको अवॉइड करो जब तक ये अच्छे से 2 महीने, बस जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको क्या बताऊं, फोर्थ पॉइंट इसके अलावा शायद मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको पियर्सिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ठीक है। तो आपको पियर्सिंग भले ही कराओ, मेरे को मतलब ऐसा कोई रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं है मेरे अंदर कि मैंने पियर्सिंग क्यों करा ली है, मेरे को तो अब इतना पेन हो रहा है, मेरे को अभी टहनियां निकालनी पड़ेंगी, मेरे कान बंद हो जाएंगे, तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है मैंने मिस्टेक की थी, मैंने इनकी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं की, इस वजह से हो गया है। तो अगर आपको पियर्सिंग करानी है बेहद कराओ, लेकिन आपको इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही पियर्सिंग करानी है। अगर ये सारी चीजें मैच करती हैं, मतलब स्किन भी सेंसिटिव है और मौसम भी ऐसा चल रहा है और आप ये चीजें अवॉइड नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं रख सकते, तो मत कराओ। और भले ही कराओ, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, फैशन अच्छा लगता है। मेरा भी अब ये हो गया, मैंने बस मिस्टेक यही की कि मैंने नीम जैसा एक पौधा होता है, उसको बगान बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में, मैंने बस उसकी टहनियां पहन ली, तो उसके बाद ये ज्यादा रिएक्ट कर गया। तो जब तक ये अच्छे से हील नहीं हो जाता ना, तब तक इसको छेड़छाड़ मत करो। जो भी कानों में पियर्स करते वक्त पहना है उसको पहने रखो 2-3 महीने तक, और ऐसे ही चलने दो। देन वो कुछ दिन बाद अपने आप जब उसको चेंज करने चलोगे तो आप वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगे कि वो रिएक्ट कर रहा है तो मत चेंज करो, कुछ दिन और वेट कर लो, ठीक है। तो ये था पियर्सिंग की मेरी स्टोरी और मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस मैंने कराया, पेन नहीं हुआ था बिल्कुल भी, बस ये अभी मेंटेनेंस की वजह से, खराब मेंटेनेंस की वजह से हो गया। वेल, यही था मेरी तरफ से तो ओपिनियन इसका। बेस्ट है, कराओ, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, काफी लंबी होगी ये वीडियो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना,
शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।